रायपुर में आयोजित 24वें राष्ट्रीय वन खेल महोत्सव में शुक्रवार को इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन का आयोजन हुआ। इसके साथ ही राजधानी के अलग अलग स्थानों पर भी विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जीतने वाले प्रतिभागियों को गोल्ड, सिल्वर और कांस्य मेडल दिया जाएगा। अब तक सभी खेलों में छत्तीसगढ़ लगातार आगे चल रहा है। 24वां वन खेल महोत्सव के आयोजन में छत्तीसगढ़ का दबदबा कायम है। हर खेलों में लगातार जीत के साथ टीम छत्तीसगढ़ अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों से वन विभाग के प्रतिभागी आए हुए हैं। यहां क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कैरम, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, एथलीट और भी विभिन्न प्रतियोगिताएं शहर के अलग अलग स्थानों पर चल रही है। नोडल ऑफिसर विश्वेश ने कहा कि इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन का टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें 220 प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं हॉकी का सेमीफाइनल मैच कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच खेला गया। इसमें कर्नाटक ने 4-2 से तमिलनाडु को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं सेमीफाइनल का दूसरा मैच छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच खेला गया, जिसमें छत्तीसगढ़ ने ओडिशा को 8-1 से हराकर बड़ी जीत हासिल कर फाइनल में जगह बना ली है। इस मैच में नवनीत तिर्की ने सबसे ज्यादा 4 गोल दागकर टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। आज बैडमिंटन का तीसरा दिन है। लगभग 220 प्रतिभागी जो है यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओपन, वेटरन और सीनियर वेटरन अलग अलग कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज का दिन जो है वो मैक्सिमम जो है वो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचेस खेले जाएंगे। अभी लगातार क्वार्टर फाइनल मैचेस चल रहे हैं। लगभग आज 50 से 52 मैचेस जो हैं वो आज यहाँ पर खेले जाएंगे। सभी टीम जो क्वार्टर फाइनल में पहुँचे हैं वो सेमीफाइनल के लिए फाइट कर रहे हैं। लगभग 18 टीमें जो हैं वो क्वार्टर फाइनल में अभी तक क्वालिफाई कर चुकी है, जो विभिन्न कैटेगरीज में अलग अलग हैं। मेंस, वुमेंस कैटेगरी और मिक्स कैटेगरी में वो खेल रहे हैं। सेमीफाइनल खेलने के बाद कल जो है वो कुछ फाइनल्स खेले जाएंगे और परसों कुछ फाइनल्स खेले जाएंगे। जो भी फाइनल मैचेस खेले जाएंगे उनका यहीं पे विक्ट्री स्टैंड लगा के उनको मेडल्स जो है वो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। गौरतलब है कि विभिन्न खेलों में 11 गोल्ड, 13 सिल्वर और 5 कांस्य पदक अपने नाम कर छत्तीसगढ़ टॉपर लिस्ट में है। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस गणेश के साथ रीचा सहाय की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।